हमारे प्लान्स क्या थे और हमारे साथ हुआ क्या। आज की रात ये मेरे साथ यहाँ पे खपने वाले हैं। इनको भी हॉस्पिटल, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है हॉस्पिटल का। ये भी अपने टांके खोल रहे हैं, टांके नहीं मैं दिखा रहा, वीडियो बैन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन खुल रहे हैं। हमारे प्लान्स क्या थे और हमारे साथ हुआ क्या, सीन देख लो भाई। और पेट्रोल नहीं कुछ फंदा जेड़ा लेके जाना नहीं है। अच्छा यार, हम लोगों ने आज किट पेंट करानी थी और इधर अपने रिम टेढ़े हो गए। ये शेख साहब बैठे हैं, ये बाबर भाई बैठे हैं और ये मैं लेटा हुआ हूँ। चेक कर रहे हो गाइस, जुलाई फॉर मी। हमने क्या कुछ सोचा और क्या कुछ हो रहा, हमें क्या काम करने थे और क्या काम हो रहे हैं, मैं तुम लोग को बताऊं। ये देखो फिर से मेरी जो टांग है वो टूट गई है और मैं कल से इधर हॉस्पिटल में हूँ और आज मेरा ऑपरेट हो रहा है इंशाल्लाह। तो दुआ करना ठीक ठाक होके हम लोग निकले यहाँ से। नहीं जी, ऑपरेट हो गया मेरा, ऑपरेट हुए टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन वो अभी थोड़ा होश में आया, थोड़ा नॉर्मल ऑपरेट वगैरह हो चुका हुआ है। ये अभी फिजियो करवा के गया मुझे वो, ठीक है ये बांधा हुआ सारा। मैंने कल रात 12 बजे से कुछ खाया भी नहीं। देखते हैं, अभी पानी शानी शुरू किया, अभी खाने की इजाज़त थी उन्होंने तो शुरू कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बाकी भाई के लिए दुआ करना। आज की रात ये मेरे साथ यहाँ पे खपने वाले हैं। इनको भी हॉस्पिटल, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है हॉस्पिटल का। इन्होंने लगा ली ये फिल्म, यूट्यूब पे तो चल नहीं रही, ठीक है। और अब बैठ के ये फिल्में फिल्में फिल्म देखेंगे। टीम लौट आओ, देखो जरा ये देखो मेरे, मेरी लत टूटी, मैं हॉस्पिटल चे थे। हमारा डिस्चार्ज हो रहा है आज यहाँ से और ऑपरेशन ऑपरेट कल हो गया था। आज के दिन पे मैं दर्दों से फ्री हूँ, ठीक है। ये भाई साहब खड़े हैं और बस ये हमारा रूम था जिधर कल रात को तुमने देखा कि सब पार्टियाँ कर रहे थे यहाँ पे। हाँ वो पार्टी कर रहे थे भाई, हेरा फेरी मूवी लगाई हुई थी। कौन कौन? वो जाइम, जुनेद, फिजान, दो दोस्त और थे। चीज़ जैसे पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था। कितने बजे गए थे वो? सुबह गए थे 8-9 बजे। वो देख भाई रात क्या देख, वॉशरूम में देख कुछ पड़ा तो नहीं है। बस हमें डिस्चार्ज मिल चुका है यहाँ से, ठीक है आज। और अभी बस हम घर जाएंगे। अब फिर से मेरा वो लंबे वाला रूटीन शुरू हो गया, व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। ये फिजान वगैरह बाहर जाएंगे, कोई शुगर मिला करने, गाड़ी वगैरह की वीडियोस इस तरह से आया करेंगी, ठीक है। लेकिन मे बी मैं उसमें बहुत कम नज़र आऊँ आप लोगों को, लेकिन क्योंकि ये हम सबकी वीडियोस अब व्लॉग पे डलती थी तो हम सारे आया करेंगे इसके अंदर। ये हम जा रहे थे डॉक्टर के पास और भाई जन गाड़ी की बैटरी डेड है, खड़े खड़े कोई चलाता ही नहीं इसको बेचारी। एक ये ड्राइवर बैठे हुए हैं, ये भी नहीं चलाते। एक ये मेरे पीछे ड्राइवर साहब खड़े हैं, ये भी नहीं चलाते। खड़ी है ऐसी, मैं अकेले ही चला रहा था। ये फाइनली गड्डी साड़ी स्टार्ट हो गई है। और भाई को लेकर आए हैं शेख साहब, उसने बैटरी लगाई है तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। बस अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये आज स्टिचेस वगैरह खुलने थे तो वो लाजमी थी, तो बस अब जाते हैं और ये काम करवाते हैं। मैं तो व्लॉग करना ही भूल गया हूँ इतने दिनों में, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आज व्लॉग डाला था मैंने, वो रिम लगाने वाला। मैंने देख लिया भाई, लाइक भी कर लिया, फॉलो भी कर लिया। तो कमेंट नहीं किया? कमेंट की करता तू, खुद कमेंट किया करना नीचे, बोला कर इसमें मैं भी हूँ। ये जो शेख शेख बोल रहा है वो मैं हूँ। हॉस्पिटल आ चुके हैं, ठीक है। आज खुलने हैं स्टिचेस, अब देखते हैं हमारी चीखें निकलती हैं आराम से खुलते हैं, ठीक हो गया भाई। अब यही व्लॉग्स हमें देखने को मिलेंगे, गाड़ी तो
बाद में इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएंगे तो फिर पहला काम ही एयर सस्पेंशन वाला कराना है, जो मेरी दिल की ख्वाहिश है वो पूरी करनी है इंशाल्लाह। मैं क्या तुम्हें अपनी ये सेक्सी हेयरी लेग्स दिखा रहा हूँ। ये भी अपने टांके खोलें, टांके नहीं मैं दिखा रहा, वीडियो बैन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन खुल रहे हैं ये जी, हमारी स्टिचेस वगैरह खुल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी स्टिच था लेकिन वो ख़त्म हो गया। अब मेरी उस वाली पट्टी से भी जान छूट गई, ये वाली से कह रहे हैं ये भी तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तो आप हाँ वो तो लेके तो जानी है ब्रो, रस्ते में बेच के चीज़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। चलो खैर चलते हैं। इस इंटीरियर को मैं इतना मिस करता हूँ क्या बताऊँ मैं। ये जो आप इन भाई साहब को देखते हो ना आजकल व्लॉग्स बनाते हुए, उसकी वजह जो है वो ये है कि हम अपनी टांग टूटवा चुके हैं फिर से। ठीक है, आप सबको मुबारक हो। हाय, सही हो गया है की सी स्प्रिंग पिछला। अच्छा ओके, सो सीन ये है कि टांग हम टूटवा चुके हैं फिर से, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारी टांग बड़ी है, अभी इसका सर्जरी जो है वो ये हुई हुई है। मैंने बीच बीच में व्लॉग बनाया था लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर था, इस तरह से था, मेरा दिल नहीं कर रहा था वो डालने को। बाकी सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल ही। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। ठीक है, और माशाल्लाह से तुम्हें पता है फिर हमारी गाड़ी खूबसूरत है। ठीक है, आज एक्सरे होना है, पता लगना है कि मैं अपना पैर ज़मीन पर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। अगर मैं रख सकता हुआ तो आगे मीटअप्स के ब्लॉग में फिर मैं आपको नज़र आ ही जाऊँगा। ऐ बंदे कले कले बिरयानी खा इन्हें। ठीक है, मैंने बिस्किट और उसके साथ नाश्ता किया अभी। झूठ बोलने हैं। चलो हम खवा दो बिरयानी। यही दिखाना, यही दिखाना रिमोट जरा। अस्सलाम वालेकुम जनेद भाई, कैसे हैं? ठीक है बेटे, दिखाओ जरा रिमोट गाइस। ये देखें, ये पिछले वाला कौन सा है? ले लो ना पिछले वाला। ये देखें गाइस, ए ए ए अब तो काफी बेहतर है पहले से। हम लोग हॉस्पिटल में घूम रहे हैं ऐसे, भाई जगह घूम रहे हैं, एक्सरे वगैरह करवा रही हैं अभी, ऊँचा नहीं बोल करते हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है ओके, तो जी फोगी फोगी दुनिया हो गई है मेरी, इस टाइम पे मेरी ऐनक फुल फोगी हो गई है। बाकी डॉक्टर को चेक करा लिया है, अभी अभी मुझे दो हफ्ते लगेंगे। ठीक है, इसको और मुझे मतलब वेट करना पड़ेगा इस पर वज़न डालने के लिए। अभी डॉक्टर ने मुझे जो चीज़ें कही वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तो अभी दो हफ्ते मुझे और सब्र करना है वेट डालने से। तो यही ज़िंदगी चल रही है, 3 साल से यही सब कुछ होता आ रहा है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। ये भाई साहब ने हॉस्पिटल में सबको गाने सुना रहे हैं, देख रहे हो। लो जी हम लोग घर वापस आ गए। ठीक है, और आज के साथ ही हमने खाना खाया और ये साथ ही हमारे डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है, हमारी लत मोड़न वास्ते ठीक हो गया। तो मैं एक चीज़ दिखाऊं, बड़ी अच्छी चीज़ है, दिखाऊं क्या बात है भाई। ये था भाई, ये कांचा भाई, ये टिंड इसलिए करवाई है क्योंकि घर रहना था, मैं कहा थोड़े बाहर ही अच्छे हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, ये देखो के सारे ये, पैसे बाढ़ में, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, पंप्स अपने पैसे पूरे कर गए हैं भाई, इतने महीने चल गए बड़ा। बाकी अभी फिजियो करवा रहे हैं और बैंड हमारा अच्छा है वैसे अभी तक तो, लेकिन पहले जितना था उतना करना है।
अच्छा जी, जो लास्ट हमने एक्सरे करवाए थे ना, उनमें इशू मुझे था कि मुझे डॉक्टर कहेंगे कि आप चलना शुरू कर दो एक्सरे के बाद, ये वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन मसला ये हुआ कि ये क्रैक नज़र आ रहा है, ये तुम्हें ये लंबा सारा जो सेवन बना हुआ है यहाँ नीचे तक, ये क्रैक था बहुत लंबा, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें वेट रखने का कह दूँ और ये जो इम्प्लांट है ये अगर लूज़ हो के, ठीक है, ऐसे ना हो कि तुम्हारी बोन यहाँ से हिल जाए या कोई मसला हो जाए, तो वो लंबा मसला है क्योंकि साइड वाली जो बोन है ये भी टूटी हुई है, ये तो बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुकी हुई थी, ठीक है, ये फिर भी अपनी जगह पे लगी हुई थी, ज़्यादा मतलब मूव नहीं हुई, और इसके अलावा बहुत सारे क्रैक्स थे वो सीटी स्कैन में नज़र आए थे। ये वजह बनी है जिसकी वजह से मुझे उन्होंने मना किया है कि तुमने अभी फ़िलहाल नहीं चलना। और हुआ क्या था वही मैं तुम लोगों को बताता कि ये किस तरह से टूटी है। हुआ कुछ यूँ था कि मैं ना, तुम लोगों को पता, सुबह 5 बजे जाता हूँ अपने रेस्टोरेंट पर, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट पे गया हूँ और रेस्टोरेंट पे तकरीबन 12 बजे मैं वापस आया हूँ, मैं आकर लेटा हूँ, मैं वॉशरूम गया हूँ, सारा सूसू आ गया था मुझे, मैं सूसू करके बाहर निकला हूँ, बाहर निकल रहा था, ज़मीन भी सूखी हुई है, जूती मैंने बिल्कुल ठीक पहनी और बिल्कुल सही कदम रखा, मेरा पैर एकदम से स्लिप हो गया, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इतनी जोर का नीचे गिरा, एक तो मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया हुआ है, ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा वेट है मेरा, सो उसकी वजह से मैं अचानक गिरा हूँ और इतनी जोर का गिरा हूँ कि मेरी वो हड्डी फ्रैक्चर दोबारा से हो गई जहाँ से पहले फ्रैक्चर थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही होगी, पहले इतनी नहीं थी, इस बार एक्स्ट्रा है, बीच में क्रैक्स भी काफ़ी सारे हैं, फ्रैक्चर भी बहुत बड़ा है। सो ये मसला सारा हुआ था क्योंकि मैंने कहीं भी वीडियो में तुम लोग को ये नहीं बताया कि क्या इशू हुआ था। वैसे तो तुम लोग जो पुराने देखने वाले हैं कि मेरा 3 साल पहले जो एक्शन मेन हुआ था, असल इशू वो है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी ये बोन वीक हुई हुई है या जो भी मसला हो रहा है। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हर साल ये जून जुलाई का महीना होता है, एक्सीडेंट 25 जून को हुआ, फिर उसके बाद मैं दोबारा गिरा तो वो 30 जून था, इस बार जब जून गुजरा तो मैंने शुक्र किया, मैं कहा अल्लाह का शुक्र है इस बार कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वरना मुझे सारे कहते रहे थे कि चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, मरी चलते हैं, ये जो बड़ी ईद की छुट्टियां हुई उसमें सब कहते रहे, गर्मियों की छुट्टियां हुई उसमें सब कहते रहे, लेकिन मैं यही मना करता, मैं कहा यार नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, जाएंगे लेकिन जून गुजर जाए, वो जून गुजरा है, इस बार 2 जुलाई को ही मैं था, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि पहले से बहुत बेहतर हूँ, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, ठीक है, बीच बीच में मैंने वीडियोज अपलोड की हैं, लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो मैं अपलोड करना चाहता नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार सबको बताना चाहिए क्या इशू चल रहा है, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो काम है मैं कर रहा हूँ तो मुझे ठीक तरीके से करना पड़ेगा, ये सीन्स हुए थे, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता था जितना मैं कर चुका हूँ, बस ये इशू हुआ था। आई होप आप सबको समझ आई होगी कैसे ये सारा मसला हुआ है, और बाकी व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, बनते रहेंगे, दोस्त वगैरह बनाएंगे वो मैं अपलोड करूंगा, गाड़ियों का शूट होगा, गाड़ियों के काम भी होंगे, सब कुछ होगा, और आगे इंशाल्लाह एक आपके लिए सरप्राइज़ भी मैं प्लान कर रहा हूं, ऐसे लेटे लेटे ही कुछ ना कुछ अच्छा आएगा आगे, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं उनको मे भी क्लू मिल गया हो कोई ना कोई कि क्या कर क्या चल रहा है, क्या सरप्राइज आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पे कर लो, आपके लिए बेहतर है अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।